आमतौर पे क्या होता है, वीडियो शुरू होता है और मैं खड़खड़ बोलना शुरू कर देता हूँ, भैया नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार, आज बनाएंगे ये तैयार हो जाइए, ये हो जाइए, वो हो जाइए। इस बार मैं लाजवाब हैं, लाजवाब इसलिए हूँ क्योंकि ये जो डिश है ना, इसको बहुत तरीके से अप्रोच किया जा सकता है कि ये रशिया से हिंदुस्तान कैसे पहुंची, हिंदुस्तान से हमारी शादियों में कैसे पहुंची, हर शादी में रशियन कटलेट के लिए लाइन क्यों लगती है, रोज़ों पे इतनी फेमस क्यों है, वो सारी कहानियां जो है। अब मैं एक साथ ओपनिंग में तो नहीं बता सकता ना, तो एक काम करते हैं, ओपनिंग यहीं बंद करते हैं, म्यूज़िक का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं और बनाते हैं रशियन कटलेट्स, वो भी शादी वाले। देखिए वैसे तो आजकल कुछ भी रशियन बनाना या बोलना जो है वो थोड़ा खतरनाक है, अब रशिया की हरकतें ऐसी, हम क्या करें, लेकिन ये कटलेट्स जो है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई जितने रशियन है उतने हिंदुस्तानी, आधे हिंदुस्तान में और आधी दुनिया में मेमनी कटलेट्स के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, जो मेमन कम्युनिटी है उन्होंने इन कटलेट्स को कैसे अपना बनाया और कैसे स्नैक्स के तौर पे फेमस कर दिया, वो अलग कहानी, वो आराम से बताएंगे। फिलहाल रशियन कटलेट्स उर्फ मेमनी कटलेट्स बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन उर्फ मुर्ग, रशिया नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए चिकन का, मैं ब्रेस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए जो खेल है ये मेमनी कटलेट्स का, ये चिकन के रेशों का खेल है, पुल्ड चिकन जिसको हम बोलते हैं उसका खेल, इसलिए समझना ये ज़रूरी है कि चिकन में रेशे कैसे चलते हैं। अब जैसे ये चिकन ब्रेस्ट है, इस चिकन ब्रेस्ट को अगर मैं आपको ऐसे सिंपली ब्रेक डाउन करूँ तो आप ये समझ जाएंगे कि ये चिकन ब्रेस्ट में रेशे ऐसे चलते हैं। अगर ये चिकन ब्रेस्ट है तो इसमें रेशे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। कायदे से अगर मेरे को हाफ रेशा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको बीच से काट लूँगा और उसके बाद इसको इस तरह से एंगल पे काटूँगा, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अगर आप चिकन ब्रेस्ट को पलटेंगे तो अपने आप दिख जाएगा आपको कि रेशे या फाइबर्स कैसे चल रहे हैं। ये देखिए ऐसे 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 दिख रहे हैं ना, बस यही इस डिश की मोनोपोली है जी, सिंपल इजी और नो रॉकेट साइंस। अब बस ब्रेस्ट को करिए एक से दो और रेशे के साथ साथ उसको उसी स्लांट में ऐसे काट लीजिए, मतलब अगर मैं चाहूँ तो चिकन को ये देखिए ऐसे 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 लंबे लंबे रेशों में काट सकता हूँ, लेकिन वो जो लंबे लंबे रेशे हैं ना वो चूही हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट होगी, इसलिए मैं रेशे को बीच से काट रहा हूँ। ये थी मेमनी कटलेट्स या रशियन कटलेट्स की साइंस, या शादी वाले कटलेट्स की साइंस। कटलेट्स जो है या कटलेट्स जो है वो आप कच्चे चिकन का भी बना सकते हैं, पके चिकन का भी बना सकते हैं, लेकिन ये कटलेट जो है ये हमेशा पके चिकन का बनता है। जो रशियन कटलेट्स हैं जिनको हम पुजारकी कटलेट्स बोलते हैं, वो हमेशा पके हुए चिकन के या पके हुए रेड मीट के ही बनते हैं, वही उनकी मोनोपोली, ठीक है जी। तो अगर आपको कोई रशियन कटलेट्स बोल रहा है, मसाला जो मर्जी डालिए लेकिन चिकन पका के डालिए, इतना बहुत है, बाकी शादी थोड़ी ना हो रही हमारी। देखिए इंडिया हो या रशिया, इमाम दस्ता हमेशा काम आता है। अब क्योंकि ये जो हमारे कटलेट्स हैं, हालांकि है रशिया के, लेकिन हिंदुस्तान में गुजरात में मेमनी मुस्लिम्स ला चुके हैं, सिंध में बड़े फेमस हैं, इसलिए हरी मिर्च और अदरक लहसुन ऑटोमेटिकली आ जाएगा इसके अंदर। हल्का सा नमक डाला, देखिए कैसे बराबर से घिसाई हो रही है। देखिए आम तौर पे क्या होता है, रशियन कटलेट में हर एक चीज ली जाती है, उसे कर दिया जाता है बॉयल, और बॉयल करके फिर मिला जुला के मिली जुली सरकार बना दी जाती है। देखिए आम तौर पे रशियन कटलेट्स, काफी हद तक ज्यादातर रशियन खाना बॉयल कर दिया जाता है क्योंकि रशिया में नहीं है, हिंदुस्तान में आ गए हैं, इसलिए हम बॉयल नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम इसको भी भून देंगे। आप लोग अक्सर बोलते हैं रणवीर उसी बोर्ड पे आपने चिकन काटा, उसी बोर्ड पे आप सब्जी काट रहे हो, तो मैं बिल्कुल क्रॉस कंटामिनेशन की लैंग्वेज समझता हूँ, लेकिन मैं उन सबको ये जवाब देना चाहता हूँ कि अगर चिकन और सब्जी दोनों एक साथ पकनी है और पकनी है, तो आज वो नीचे जो कमेंट करेंगे ना कि रणवीर उसी बोर्ड पे चिकन उसी बोर्ड पे सब्जी, उनको जवाब पहले से ही मिल चुका है। बेसिकली नॉन वेज और वेज को क्रॉस कंटामिनेट नहीं करना चाहिए जब वो अलग अलग जा रहे हों, या जब नॉन वेज के अंदर सब्जी कच्ची जा रही हो, जब नॉन वेज भी पक रहा है सब्जी भी पक रही है तो एक ही बोर्ड पे कट सकते हैं, वो फूड सेफ्टी की क्लासेस फिर कभी लेंगे। फिलहाल तेल ले लेते हैं, नहीं मतलब क्या है कि भून भून के कोरमा नहीं बनाना, लेकिन हर किसी बुनाई करनी है,
थोड़ा जायका आ जाएगा ना। पता लगा भूनते 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 आप बनाने जाए रशियन कटलेस, बन जाए एकदम भुना कोरमा कटलेस। और आप कहें रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था ऐसे हल्का सा प्यार मोहब्बत से ऑयल के साथ किस करवाना है उसको। बस इतना ही भूनना है जी। देखो ये गया चिकन, ये गई सब्जी। अगेन देखिए कलर नहीं देना, कोरमा नहीं बनाना, ठीक है। ऑलरेडी अदरक लहसुन में नमक है ना ठोक के, इसलिए एकदम से नमक नहीं डालना। पर ऐसे हल्का सा किस करवाना है, मैंने बोला था ना किस करना है, बस हल्का हल्का है देखो जी। और पानी भी ऐसे नहीं डालना ठोक के कि पानी से ही भर दिया पता लगा, ठीक है जी। पानी के कटलेट नहीं, पानी इतना डालना है कि फ्लेवर जो है बस चिकन का लॉक हो जाए। अब इसकी मोनोपोली है वो हल्की सी भुनाई और फिर वो अदरक लहसुन हरी मिर्च। लहसुन जो है वो नाम भर का है। देखिए इम्पॉर्टेंट जो इस डिश में है वो है इसकी बाइंडिंग। जो डिश इसको रशियन कटलेस या मेमनी कटलेस बनाती है वो है इसकी बाइंडिंग, और वो बाइंडिंग है एक थिक वाइट सॉस। लेकिन जो क्रीमीनेस है रशियन कटलेस की, जो आपको शादी में या शाम को इफ्तारी में पसंद आती है, वो आती है वाइट सॉस से, ठीक है जी। और उस वाइट सॉस में आपको एक दो ऐसे तरीके बताऊंगा, आप जो है याद करेंगे। यहाँ पर कंजूसी ना करें, मतलब चिकन को ओवर कुक भी ना करें लेकिन कच्चा ना रखें। देखो जी इसको 5 से 6 मिनट हो गए हैं, ढक्कन लगाओ, 1 मिनट और पकाओ। मकसद क्या है? मकसद ये है कि चिकन की जूसीनेस नहीं जानी चाहिए। चिकन ओवर कुक कर देंगे आप, कह रहे रेशे निकलेंगे आसानी से, लेकिन वो फिर रबरी भी हो जाएगा। 6 से 7 मिनट अच्छी हीट पे चिकन को पका लेना है जी। उसके बाद छान लेना है, छन्नी रेडी है, और नीचे का पानी जो है फेंक देना है। ऐसे ही करते हैं ना अक्सर दूसरी रेसिपीज़ में जो आप देखते हैं यूट्यूब पे, नीचे के पानी में तो ज़्यादा टेस्ट है, तो नीचे के पानी को हम यूज़ करेंगे वाइट सॉस में। कोई जादू नहीं होता, मतलब क्या है ना, कुकिंग इज़ नो मैजिक। कुकिंग जो है वो बेसिक्स को अच्छे से दिमाग लगा के फॉलो करो, वही है कुकिंग। लोग बोलते हैं ना कि आपको बताएंगे ये सीक्रेट वो सीक्रेट, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो खाना बनाते टाइम, और जो छोटे छोटे बेसिक्स हैं उनको सही से करो। पक गया लेकिन रबरी नहीं हुआ। देखिए अब दो काम कर सकते हैं आप इसको, या तो आप इसको ठंडा होके धीरे धीरे नोच सकते हैं, यानी कि ठंडा होने के बाद इसको पुल कर सकते हैं, या फिर रणवीर ब्रार की तरह समय बर्बाद ना करते हुए इसके गर्म होने का फायदा उठाते हुए जैसे ही ये वर्केबल हो वैसे ही जो पाव भाजी वाला वो होता है ना मैशर वो ले लीजिए, या फिर ये ले लीजिए वुडन स्पून मथनी जो भी आप लेना चाहें, या फिर ये देखिए ये। अब इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए, बाद में बस ऐसे हल्का हल्का ऐसे हाथ से खोलेंगे और हो जाएगा। और गरम गरम चिकन में थोड़ा चीज़ डाल देता हूँ मैं, क्या है कि ना चिकन गरम है चीज़ मेल्ट हो जाएगा, चिकन की गर्मी का पूरा फायदा उठाया जाए। चिकन की गर्मी के साथ चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा, अपना प्रोग्राम भी ठीक हो जाएगा। अब ये चिकन रखो साइड में। अभी वाइट सॉस जो बनाना है ना, ये थोड़ा डिफरेंट वाइट सॉस है। इसको टेक्निकली हम शेफ लोग बोलते हैं पनाडा। पनाडा यानी कि कनाडा का छोटा भाई। पनाडा यानी कि एक थिक वाइट सॉस जो कि बाइंडिंग के लिए यूज़ होता है, ग्लेजिंग के लिए यूज़ नहीं होता है। पनाडा में एक भाग और एक या फिर एक भाग और दो का रेशियो इस्तेमाल होता है। एक भाग और एक का मतलब एक भाग मक्खन, एक भाग फ्लार और एक भाग दूध। मैक्सिमम 2 भाग दूध, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि 3 भाग दूध डाल दें वो भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तो फिर आपके कटलेट जाएंगे फट। यानी कि जब आप तलेंगे तो आपके कटलेट के बन जाएंगे बम, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था। बेसिकली ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि मैदा पकना भी चाहिए और रंग भी नहीं आना चाहिए। हम शेफ लोग तड़ी मारने के लिए इसको बोलते हैं रू, फिर हम पूछते हैं स्पेलिंग और आगे लगा देते हैं एक्स, RUX, रूक्स, लेकिन बोलते हैं रू। आप वो सब टेंशन छोड़िए, ये समझ लीजिए कि एक भाग बटर है एक भाग मैदा है, रूक्स वूक्स रहने दीजिए। अब इसके अंदर हम चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन जो इतना टेस्ट वाला हमारा वो बचा हुआ है चिकन के फ्लेवर वाला उसको कब डालेंगे, तो इसलिए पहले वो डालते हैं। सारा जायका तो इसमें, और अक्सर लोग रेसिपीज में इसको फेंक देते हैं, गलत बात है ना। फिर अब डालेंगे दूध और अब इसको कर लेंगे गाढ़ा। ये जो पनाडा है ये आप पहले भी बना के रख सकते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है।
ऐसा नहीं है कि लास्ट मिनट ही बनाना है, लेकिन पका अच्छे से लें इसको, खास तौर जब आप दूध डाल रहे हैं उसके बाद, क्योंकि वहाँ पर अगर कच्चा रह जाएगा तो फिर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्टॉक या दूध डाल के इसको अच्छे से पकाना इम्पॉर्टेंट है, बाकी फिकर नॉट। ये गया हमारा पनाडा, उर्फ थिकनिंग एजेंट, उर्फ वाइट सॉस का बड़ा भाई, मौसेरा वाला। ये भी ठंडा होने जाएगा ना। मैं क्या, चिकन जो है वो अपने आप ही स्माइल करता करता आ गया। थोड़ा धनिया और बिल्कुल नाम भर का पुदीना, पुदीना ऑप्शनल है, सामने पड़ा हुआ इसलिए डाल रहा हूँ, पर टेस्ट आएगा उसका, टेंशन दे। बारीक चॉप अदरक अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं, और फिर बारीक चॉप हरी मिर्च, अगर आप चाहें तो हरा प्याज डाल सकते हैं बारीक चॉप। तो ये गया जी मिक्सचर के अंदर, और अब ढेर सारी ब्लैक पेपर। आप ये समझ लीजिए कि ये जो है सीजनिंग इस चिकन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, इस हिसाब से होनी चाहिए, सीजनिंग मतलब नमक मिर्च, इस हिसाब से होनी चाहिए कि इसके बाद में इसमें पनाडा जाएगा, इसके बाद में इसमें बॉयल्ड अंडा जाएगा, इसके बाद से इसमें आलू जाएगा, तो उस हिसाब से सीजन करिए, यानी कि सीजनिंग ठोक के। अब आलू और पोटैटो, अब बॉयल्ड अंडा, बाइंडिंग के लिए भी और टेक्सचर के लिए भी, एग योक से बाइंडिंग आएगी और एग वाइट से आएगा टेक्सचर। अब चीज़, ये तो होते होते भी शादी वाली क्वांटिटी हो गई भाई है? थोड़ा नमक और काली मिर्च और जाएगी, और अब इसके अंदर गया जी पनाडा। पनाडा डालते ही देखिए बाइंडिंग आ गई ना, जब इसको चलाना है तो हल्के हाथ से चलाना है, वरना जितने आपने रेशे बनाए हैं चिकन के उनका बन जाएगा भड़था। और मेरे को जो है ऐसे कैरेट्स चंकी चंकी अच्छी लगती हैं, अगर आप चाहें तो कैरेट्स को और बारीक चॉप कर लीजिए या मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए, आई लाइक देम चंकी। और अभी भी अगर आप पास से देखेंगे तो देखिए रेशे दिख रहे हैं, बस यही इसकी मोनोपोली है। और ये चीट मैं हर एक को नहीं बताता हूँ, लेकिन कच्चा एग योक इज एक्सेलेंट फॉर बाइंडिंग, रिस्क फ्री हो जाता है, मतलब टेंशन लेनी पड़ती है कि दिल में जाके पड़ जाएगा, सिर्फ एक अंडे का एग योक। देखिए अभी भी मैं बहुत सॉफ्ट हैंड से उसको मिक्स कर रहा हूँ, देखिए कोई भी शेप दे सकते हैं इसको, हाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे गोल बनाना है, लंबा फ्लैट। देखिए इन्होंने मेरे को दे दिया शादी का मीज़ा प्लास, मतलब सबने खाना था खुद रशियन कटलेट, रणवीर ने बोला शादी वाली रेसिपी है तो क्वांटिटी इधर ढेर सारी, तो जब तक मैं इसकी बनाता हूँ कटलेट, आप एक काम करिए रशियन कटलेट को रशियन कटलेट क्यों कहते हैं और रशिया में कटलेट की क्या हिस्ट्री है वो सुन लीजिए। देखिए रशियन कटलेट की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज का नाम बड़ा ट्रिकी है, हम इसे कहते हैं रशियन कटलेट, और जो इसको रशिया में कहते हैं वो कहते हैं पुजार्स्की कटलेट या पुजार्स्की कटलेट, और वो इसलिए कहते हैं कि एक होटल में एक बहुत ओल्ड लेडी काम करती थी, उस होटल का नाम था पुजार्स्की होटल, वहाँ पर पहली बार ये बनाया गया। इस डिश को फेमस करने के लिए ये बोला गया कि पुजार्स्की जो थे वो प्रिंस थे रशिया के, और उनके नाम पर यह डिश बनी। देखिए किस तरह से एक छोटे से होटल की मम्मी की बनाई हुई डिश को लेकर फेमस करने के लिए प्रिंस के नाम के साथ जोड़ दिया गया, वो अलग बात है। द ब्यूटी ऑफ द पुजार्स्की कटलेट और द रशियन कटलेट हैज बीन दैट द मीट हैज बीन कुक्ड, मीट हमेशा पकाया जाता है। एक रशियन कटलेट की, पुजार्स्की कटलेट की खूबी ये, इसलिए वो जो एसेंस है इस मेमनी कटलेट में, जब मेमन्स ने रशियन कटलेट लिया तो उसका एसेंस डिस्टर्ब नहीं किया, भले उसके अंदर मिर्च डाली धनिया डाला, लेकिन जो पुजार्स्की कटलेट का मतलब था कि मीट पका के उसका कटलेट बनाना है, वो चेंज नहीं किया। और वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि कोर ऑफ द डिश को जब रिस्पेक्ट दी जाती है और फिर अपने तरीके से ढाला जाता है तो वो डिश बड़ी लंबी चलती है। अब देखिए चल रही है ना अभी तक रशियन कटलेट। तो यहाँ क्या किया मैंने सेवई लिए, क्लासिकली सिर्फ सेवई में रोल करते हैं रशियन कटलेट्स को, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड क्रम डाला है ताकि बाइंडिंग अच्छी आए। ऑल्सो क्या होता है सेवई अगर ज़्यादा हो ना तो मुंह में चुभती है, ठीक है, इसलिए 20-30% ब्रेड क्रम डाल लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा, आपका टेक्सचर सेवई वाला आएगा लेकिन ब्रेड क्रम अपना काम कर जाएगा। दूसरी तरफ ये लिजाम जो है बना लिया है, ये हमारा फेवरेट लिजाम है, इसमें नमक है और मैदा है और पानी है, ठीक है, अगर आप चाहें इसके अंदर एग वाइट डाल सकते हैं थोड़ा। ये जो लिजाम है ये थिक नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए डिपिंग कंसिस्टेंसी वाला। अब कटलेट को जो है ठंडा करने के लिए रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बाइंडिंग उसमें तभी आती है। देखिए ठंडा किया तो उसने शेप पकड़ ली ना, कटलेट में लगाया सूखा मैदा और हाथ जो है ऐसे कर लिया अब कि राइट हैंड अलग और लेफ्ट हैंड अलग, इसमें क्रम लगा के उसको ज़्यादा दबाना नहीं है, वरना सेवई का जो टेक्सचर है जो आप चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खिला खिला आए सेवई का टेक्सचर, वो नहीं आएगा। और एक हाथ ड्राई के लिए और एक हाथ वेट के लिए, मिक्स मत करिए दोनों हाथ, ये देखिए ये हाथ जो है ड्राई के लिए, ये हाथ वेट के लिए, वरना सब गिचिर पिचिर हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था गिचिर पिचिर नहीं करना। Can you
inside these southern lights. You are my young love waking. You are my Galveston. और कोशिश करें कि इनको ऐसे शैलो फ्राई करें, हाँ, कढ़ाई में नहीं बल्कि पैन में। ब्यूटिफुल। ये देखिए, सेवई को अगर नहीं दबाएंगे तो अपने आप ऐसे खिली खिली आएगी, कुछ नहीं फटा और फटेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि लिजाम मजबूत है, बाइंडिंग मजबूत है और आपने चिल किया है उसको। उसको ठंडा होने का वक्त दें, ठंडा होगा तो अपना स्ट्रक्चर पकड़ेगा, स्ट्रक्चर पकड़ेगा तो फिर फटेगा नहीं। ये इफ्तारी के लिए बेस्ट पता है क्यों है? क्योंकि इसमें चिकन जो है पका हुआ है, राइट, लाइट कटलेट, इतना ज़्यादा इसमें माल मसाला नहीं भरा हुआ, तो एकदम से जब खाली पेट बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं खानी चाहिए, इसलिए इफ्तारी के लिए बहुत ही बढ़िया आइटम है एकदम। आप जानते हैं कि अब मैं कुतुब मीनार बनाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कटलेट बनाता हूँ मेरा दिमाग सिर्फ एक ही तरफ चलता है कि कुतुब मीनार कैसे बनाई जाए। बीच में टमाटर के कान, बीच में कटलेट है कुतुब मीनार, ये तो आना ही होता है ना, फिर इसके बगैर कैसे होगा। तो क्रिस्पी वाली आवाज आ रही है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से नरम और फ्लेवर एकदम क्लीन। मॉरल स्टोरी है, ट्राई जरूर कीजिएगा। दूसरा मॉरल स्टोरी है, शेयर जरूर कीजिएगा। तीसरा मॉरल स्टोरी है तो लोगों से सब्सक्राइब करवाइए भाई, है? थैंक यू।